जिले में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप का शुक्रवार को समापन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खेल मंत्री टंकराम वर्मा सहित छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजी अशोक जुनेजा शामिल हुए। ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप की मेजबानी इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस कर रही थी। 23 से 27 सितंबर तक छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये जिम्मेदारी दुर्ग पुलिस को सौंपी थी। यहाँ देश भर के पुलिस टीम ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में अरुणाचल से लेकर गुजरात और कश्मीर तक की टीम ने हिस्सा लिया। CISF, CRPF, BSF और पुलिस की टीमों ने भी हिस्सा लिया। भिलाई के प्रथम बटालियन में आयोजित इस प्रतियोगिता में CM विष्णुदेव साय के अलावा DG अशोक जुनेजा ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय पुलिस कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर आयोजित किया था। इस स्पर्धा में देश भर के पुलिस टीम ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की टीम ने सबसे ज्यादा 39 मेडल जीते। सेकंड रनर अप राजस्थान की टीम रही, वहीं BSF ने भी मेडल जीते हैं। इस स्पर्धा में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। देश भर से 1500 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें 400 महिला खिलाड़ी शामिल हुई थी। इस क्लस्टर में आयोजित पावर लिफ्टिंग कुल 100 इवेंट, 10 इवेंट वेट लिफ्टिंग कुल 8 इवेंट और योगा के विभिन्न 5 इवेंट के तहत मुकाबला हुआ। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों और जवानों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रथम अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया। मैं इस अवसर पर भारतीय पुलिस कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को भी आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश के सभी राज्यों से पुलिस विभाग की टीमें यहां आई हैं तथा केंद्रीय बलों की भी टीम इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची है। छत्तीसगढ़ की धरती में यहां के मुख्यमंत्री के नाते आप सभी लोगों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं अभी पिछले दिनों जसपुर और झारखंड के दौरे पर था। यदि यहां होता तो जरूर आप लोगों का प्रदर्शन देखता। मुझे बताया गया है कि आप लोगों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। पुलिस की व्यस्तम सेवा के बावजूद आप लोग खेलों के लिए समय निकाल पाते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। इसका लाभ आपको सेवा में भी मिलता है, आपका फिटनेस लेवल हमेशा बना रहता है। ऐसे खेलों के माध्यम से एक दूसरे को जानने का अवसर भी मिलता है, वे एक दूसरे के अनुभव भी साझा करते हैं। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है।